फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ कलाकंद, बिल्कुल मार्केट जैसा सॉफ्ट जूसी दानेदार, और वो भी गाय के दूध के साथ, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम चीज़ों के साथ। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने लिया है गाय का दूध 2 लीटर, आधी कटोरी शक्कर, कुछ इलायची, पिस्ता, काजू, एक नींबू या विनेगर, दोनों में से आपको कोई एक चीज़ लेना है। दूध को मैंने पहले ही उबाल करके ठंडा कर लिया था, जैसे हम लोग नॉर्मल दूध बॉईल करते हैं। अब मैं इसको डालूंगी एक बड़े से बर्तन में। बड़े बर्तन में इसलिए डालना है ताकि उबालने में हमें आसान हो। मेरा दूध गाय का है, आप चाहो तो भैंस का या फिर पैकेट का दूध भी यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हैं दूध का कलर थोड़ा येल्लोइश है, क्योंकि मेरे यहाँ डायरेक्ट खटाल से दूध ग्वाला लाके देता है, इसलिए ये थोड़ा पीलापन लिए हुए है। तो मेरा कलाकंद भी थोड़ा येल्लोइश बनेगा। अगर आप पैकेट का या भैंस का दूध यूज़ करोगे तो कलाकंद एकदम प्योर वाइट बनेगा। अब उसके बाद मैं इसको अच्छे से पकाते हुए तब तक पकाऊंगी जब तक कि ये आधा नहीं हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं दूध पक के आधा हो गया। अब मैं इसमें से थोड़ा सा दूध निकाल के इसका पनीर बनाऊंगी। आप चाहो तो ये प्रोसीजर डायरेक्ट कढ़ाई में भी कर सकते हैं। अभी मैंने आधा दूध निकाल लिया, इसका पनीर बनाऊंगी। इसके लिए मैं ले रही हूँ सिरका, विनेगर 1 स्पून, और इसमें मैं 1 स्पून पानी डालूंगी। आप चाहो तो आधा नींबू और 1 स्पून पानी भी ले सकते हैं। मिला के इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और लगातार चलाते हुए मिक्स करना है। ये प्रोसीजर अगर आप कढ़ाई में करोगे डायरेक्ट, तो उसमें भी सेम 1 स्पून विनेगर, 1 स्पून पानी लेके डायरेक्ट कढ़ाई में डालते हुए कंटिन्यूसली मिलाना है जब तक कि दूध दानेदार ना बने। अगर मैं ऐसा कर रही हूँ, ऐसा करने से थोड़ा सा टाइम बच जाता है, क्योंकि हम लोग इसमें विनेगर डाल के इसका पनीर बनाएंगे, फिर इसका दूध छान के इसको डालेंगे कढ़ाई में, तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे रह जाएगा और हमारा पनीर अलग हो जाएगा। उससे जो दूध पकने में टाइम लगता है वो टाइम हमारा बच जाएगा। अब मैं इसको लगातार चला रही हूँ। इन केस यहाँ पे अगर आपका पनीर नहीं बनता है तो आप गैस पे रख के एक बॉयल आने देना, पनीर बन जाएगा। अब पनीर बन गया है, मैं इसको छान रही हूँ। आप देख सकते हैं दूध का फटा हुआ जो पानी है वो नीचे बैठा है। ये पकने में जो टाइम लगता है वो हमारा बच गया है। यहाँ पे अगर आपके पास टाइम नहीं है ये सब करने के लिए, तो आप 100 ग्राम खोवा या 100 ग्राम पनीर भी डाल सकते हैं। उससे भी एकदम दानेदार बनेगा और बहुत बढ़िया बनता है और बहुत जल्दी बनेगा। अब मैं इसको लगातार चलाते हुए पका रही हूँ। ये कलाकंद बनाना बहुत आसान है, पर इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। शक्कर हमें एक साथ पूरा नहीं डालना है, शक्कर हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और लगातार चलाते हुए रखना है, बनाना है। अगर हम लोग नहीं चलाएंगे तो कलाकंद नीचे कढ़ाई में लग जाएगा और जलने का स्मेल आएगा। अभी मैंने थोड़ा सा और शक्कर डाला है। शक्कर डालते साथ आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा पानी छूटा है, मतलब शक्कर पिघल गया, तो उस वजह से इसमें थोड़ा सा और लिक्विड बन गया, और ये जो पनीर बना हुआ दूध है उससे आप आटा गूंथना, रोटियां बहुत सॉफ्ट बनेगी। एक बर्तन में अब मैं घी लगा के ग्रीस कर रही हूँ। ग्रीस करने से कलाकंद की पीसेस बहुत आसानी से निकल जाएंगे। अब मैंने इलायची को भी कूट लिया है, ड्राई फ्रूट्स को भी काट लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट बन गया है। आप देख सकते हैं जब मैंने दूध डाला था कढ़ाई में दूध ऊपर तक के था, अभी पक के ये आधे से भी कम हो गया है। अब कलाकंद बन गया है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। अगर इससे ज़्यादा पकाएंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा और कलाकंद थोड़े हार्ड बनेंगे। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ करके अब उसमें डाला है कुटी हुई इलायची। वैसे कलाकंद में इलायची की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही वो बहुत अच्छा लगता है उसका फ्लेवर। अब मैंने ग्रीस के हुए बर्तन में कलाकंद को डाल दिया है। डाल के मैं इसको अच्छे से फैला के इसको थोड़ा सा टैप करके इसके ऊपर कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल के गार्निश करके इसे मैं सेट होने के लिए रख दूंगी। इसे सेट होने में अराउंड 3 घंटे का टाइम लगता है। कभी कभी ज़्यादा भी लगता है, कम भी लगता है, वो डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। अगर गर्मी है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठंड के दिन है तो जल्दी हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल के इसको मैं 3 घंटे बाद दिखा दूंगी। 3 घंटे हो गए हैं, कलाकंद जम गया है, मैं इसको काट के दिखा रही हूँ। ये कलाकंद एकदम मार्केट वाले कलाकंद जैसे बने हैं, बिल्कुल दानेदार, सॉफ्ट, जूसी। मार्केट में तो सारी चीज़ें मिलते हैं, बट घर का बना हुआ मिठाई का स्वाद ही कुछ और होता है। तो आप भी इसे बनाइए और बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।